कोरोना से जंग के लिए मदद का सामान लेकर भारत पहुंचा एक रूसी विमान, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स समेत कई जरूरी उपकरण शामिल। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की, मदद के लिए किया धन्यवाद। दोनों के बीच कोविड 19 की ताजा स्थिति और स्पुतनिक वैक्सीन पर हुई चर्चा। कोरोना से जंग अमेरिका से भी मिली भारत को मदद, ऑक्सीजन जनरेटर और दूसरे मेडिकल उपकरण के साथ आज पहुंचेगा अमेरिकी सैन्य विमान। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने पीएम मोदी से मुलाकात की, कोरोना से जंग में वायुसेना की ओर से की जा रही मदद की जानकारी दी। देश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार का फैसला, पीएम केयर्स फंड से 1,00,000 पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदा जाएगा, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। 3 महीने में 500 ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा डीआरडीओ, लड़ाकू विमान तेजस में पायलट को ऑक्सीजन पहुंचाने वाली तकनीक का होगा इस्तेमाल। अब ऑक्सीजन मॉनिटरिंग ऐप बताएगा 3 से 4 की ऑक्सीजन की जरूरत, अस्पतालों को करना होगा रियल टाइम डेटा अपलोड, यूपी सरकार के निर्देश पर आईआईटी कानपुर ने तैयार किया। दिल्ली हाईकोर्ट में आज एक बार फिर कोरोना ऑक्सीजन की कमी और दवाइयों की कमी के मुद्दे पर होगी सुनवाई, केजरीवाल सरकार को राज्य में आरटीपीसीआर टेस्ट और टेस्टिंग सेंटर की देनी है जानकारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में कम टेस्टिंग होने पर दिल्ली सरकार से पूछा सवाल, रोजाना कितने आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं और कितने लैब में हो रहे हैं ये कोर्ट को बताएं। महाराष्ट्र में फिर से टूटा कोरोना से मौत का रिकॉर्ड, 24 घंटे में 985 लोगों की हुई मौत, 63,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, मुंबई में एक दिन में तकरीबन 5,000 मरीज भी मिले। मुंबई के पास नाला सोपारा में लॉकडाउन के दौरान जुटी भीड़, प्रशासन ने हटने के लिए कहा तो भीड़ ने अधिकारियों पर किया हमला, फेरी वालों का आरोप, सामान जब्त कर रही थी प्रशासन की टीम। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के होने वाले टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, लेकिन 45 साल से कम उम्र वालों को अभी नहीं मिल रहा है अपॉइंटमेंट, दिन भर में कुल 80,00,000 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। महाराष्ट्र में 15 दिनों के लिए बढ़ा लॉकडाउन, 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त लगेगी वैक्सीन, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा पर्याप्त वैक्सीन मिलने पर टीकाकरण शुरू करेंगे, युवा थोड़ा इंतजार करें लेकिन 1 मई से शुरू नहीं होगा टीकाकरण। राजस्थान में 1 मई से 18 साल के ऊपर वालों का टीकाकरण मुश्किल है, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा सीरम इंस्टीट्यूट ने 15 मई के बाद वैक्सीन सप्लाई देने को कहा है, पता नहीं 1 मई से कैसे टीकाकरण शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा 1 मई से टीकाकरण शुरू करने के लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है, 1,00,000 डोज भी होती तो 1,20,00,000 में से किसको लगाते, गुमराह किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को चिट्ठी लिखकर पर्याप्त वैक्सीन देने की मांग की है। सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्य सरकारों के लिए कोविशील्ड की कीमतों में की 100 रुपए की कमी, अब 400 के बजाय 300 रुपए में मिलेगी वैक्सीन, अदर पूनावाला ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। जीवन रक्षक दवाई रेमडेसिविर का निर्यात बंद करने के बाद कंपनियों ने के बड़े स्टॉक उपलब्ध, अमृतसर की क्वालिटी फार्माक्यूटिकल्स ने केंद्र सरकार से देश में इंजेक्शन बेचने की मंजूरी मांगी। देश में अब तक 28,27,00,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट, एक दिन में 17,23,000 से ज्यादा लोगों की हुई जांच। पंजाब में डे नाइट कर्फ्यू लागू, शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, शाम 5 बजे ही बंद हो जाएंगी दुकानें। अमृतसर में दुकानें तो बंद दिखी लेकिन सड़कों पर गाड़ियों की भारी भीड़ नजर आई। बिहार में आज से नाइट कर्फ्यू का समय बदला, शाम 6 से सुबह के 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू, अब 4 बजे ही बंद हो जाएंगी सारी दुकानें। शादी में 50 लोग और श्राद्ध में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत। बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर भारी लापरवाही की तस्वीर सामने आई, दिल्ली और मुंबई से आने वाले यात्रियों का नहीं हो रहा है कोरोना टेस्ट, बिना जांच के ही घर जाते नजर आए लोग, स्टेशन पर लगे कोरोना जांच शिविर में महज खाना पूर्ति।
दोस्त की जान के लिए एक शख्स ने रचा कीर्तिमान। देवेंद्र कार से ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ बोकारो से 16 घंटे में पहुंचा नोएडा। अस्पताल में भर्ती दोस्त राजन की जान बचाई। जम्मू कश्मीर के 11 जिलों में आज शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, बड़गाम, कुलगाम, पुलवामा, गांधरबल, जम्मू, कठुआ, रियासी और उधमपुर जिले भी इसमें शामिल। एमपी के इंदौर के ड्राइव इन कोरोना टेस्ट में पहले दिन ही दिखा लोगों में उत्साह। नेहरू स्टेडियम और दशहरा मैदान में कोविड टेस्ट के लिए पहुंचे लोग। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से 600 रुपए में हो रहा है टेस्ट। एमपी के मंदसौर में कोरोना कर्फ्यू में बेवजह घूमने वालों को पुलिस ने दी अनोखी सजा। बेवजह घूमने वालों से फुलवाए गुब्बारे, गुब्बारे फुलाने में असफल रहने वालों को जांच कराने की सलाह दी। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में कोरोना संक्रमित एक महिला की मौत के बाद हंगामा। अस्पताल की गुंडागर्दी का नया वीडियो आया सामने। आधे दर्जन लोगों के काटे हाथ, अस्पताल के फर्श पर फैला खून। बागपत में कोरोना मरीजों की स्थिति देखने पहुंची स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हुआ हमला। गांव के युवकों ने रिपोर्ट को फर्जी बताकर किया हमला। एम्बुलेंस चालक घायल। गांव में 10 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। कोरोना संकट के बीच नकली दवाओं का गोरख धंधा हुआ तेज। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गौतम बुद्ध नगर में जीवन रक्षक रेमडेसिविर की कालाबाजारी का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने 2 इंजेक्शन के साथ 4 लोगों को किया गिरफ्तार। हरियाणा के पानीपत में ऑक्सीजन का टैंकर चोरी होने के बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी सामने आई। पुलिस ने किया भंडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार। 19 इंजेक्शन बरामद। राजस्थान के अलवर में कोरोना काल में ज्यादा किराया वसूलने का मामला सामने आया। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 10 गुना किराया लेने के आरोप में गाड़ी जब्त की। एमपी के शिवपुरी में पुलिस वाले ने ही उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। अपने शादी समारोह में जुटाई भीड़। पुलिस ने पहुंचकर की कार्रवाई। आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल में आज 8वें और आखिरी चरण का मतदान। 4 जिलों की 35 सीटों पर कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी वोटिंग। शाम 6:30 बजे डाले जाएंगे वोट। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 641 कंपनियां तैनात। आखिरी चरण में ममता के 4 मंत्रियों की किस्मत दांव पर। 283 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में होगी कैद। कोरोना से टीएमसी उम्मीदवार काजल सिन्हा की मौत। उनकी पत्नी ने डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर सुदीप जैन और चुनाव आयोग के कई अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करवाया। एबीपी न्यूज पर आज शाम 5 बजे से बंगाल समेत 5 राज्यों का एग्जिट पोल जरूर देखिए। 2 मई को बंगाल समेत सभी राज्यों के आने हैं नतीजे। यूपी में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण का आज मतदान। 17 जिलों में कुछ देर बाद शुरू होगी वोटिंग। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अधिनियम 2021 को नोटिफाई कर दिया गया है। इस कानून में दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। मुंबई में फूड्स कंपनी के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। कंपनी के विज्ञापन में सोनिया राहुल गांधी का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह समेत 33 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस इंस्पेक्टर भीमराव धागड़े की शिकायत पर हुआ केस। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस के नक्सलियों से मुठभेड़। पुलिस कांस्टेबल उपरस 5 समेत कई हत्याओं के आरोपी 2 नक्सली ढेर किए गए। यूपी के मेरठ के एक गांव में 10 लोगों की संदिग्ध मौत से फैली सनसनी। गांव के लोगों के मुताबिक जहरीली शराब पीने से हुई मौत। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर प्रधान पद के 2 उम्मीदवारों को किया गिरफ्तार।
पंजाब के लुधियाना में पुलिस के दो सब इंस्पेक्टर सगे भाई आपस में भिड़ते नजर आए, एक दूसरे पर की फायरिंग, एक को लगी गोली। पुलिस के आला अधिकारी के मुताबिक आपसी रंजिश में हुई थी ये झड़प। लुधियाना में एक्टर जिमी शेर गिल समेत यूनिट के 34 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नाइट कर्फ्यू के बावजूद रात 8 बजे तक शूटिंग करने का आरोप लगा। जिमी शेर गिल वेब सीरीज योर ऑनर की शूटिंग कर रहे थे। सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराकर चेन्नई फिर से आईपीएल पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंची। चेन्नई की जीत के हीरो रहे 75 रन बनाने वाले ऋतुराज गायकवाड़। आईपीएल से हटने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एडम जैम्पा का बयान, जिसके घर में लोग मौत के दरवाजे पर हों वो क्रिकेट के बारे में नहीं सोच सकता। जैम्पा और रिचर्डसन कोरोना की वजह से वापस जा रहे हैं। कोरोना की वजह से अब दो एम्पायर ने भी आईपीएल से हटने का फैसला किया। नितिन मेमन और ऑस्ट्रेलियाई एम्पायर पॉल राइफल ने आईपीएल से नाम वापस लिया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।